नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम टुडे में और मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। देश में हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, अब बारी है कई राज्यों में राज्यपाल चुनने की। जी हां, कई राज्य ऐसे हैं जहां राज्यपाल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, जिसके चलते नए राज्यपाल का चुनाव किया जाएगा। इन राज्यों में राजस्थान भी शामिल है। लोकसभा चुनाव में नए चेहरों के लिए रास्ता छोड़ने वाले भाजपा नेता अब राज्यपाल के रूप में राजभवन की शोभा बढ़ाएंगे। आने वाले कुछ समय में हो सकता है कि भाजपा के अनुभवी नेताओं को विभिन्न राज्यों में राज्यपाल बनाकर भेजा जाए। इसके अलावा कुछ रिटायर्ड अफसरों को भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि आने वाले 3 महीने में राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित 8 राज्यों के राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। इन राज्यों के लिए नए राज्यपालों के नाम पर केंद्र में मंथन चल रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव में एंट्री इनकम्बेंसी और नए चेहरों को मौका देने के लिए भाजपा ने करीब 100 सांसदों का टिकट काट दिया था। इनमें मोदी 2.0 सरकार के मंत्री और कुछ अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। भाजपा सूत्रों के अनुसार जिन अनुभवी नेताओं ने भाजपा नेतृत्व का निर्णय स्वीकार किया और चुनाव में भी जिनकी भूमिका सकारात्मक रही, ऐसे चेहरों को पार्टी राज्यपाल पद के लिए मौका दे सकती है। इनमें ऐसे एकाधिक नेताओं को चुनाव के समय भी आश्वासन दिया गया था कि पार्टी समय आने पर उनका बेहतर और उचित उपयोग करेगी। सूत्रों के अनुसार पार्टी में बिहार से पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, कर्नाटक से पूर्व मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा, उत्तर प्रदेश से पूर्व मंत्री बीके सिंह और दिल्ली से पूर्व मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को राजभवन जाने का मौका दे सकती है। इनके अलावा तमिलनाडु से पार्टी नेता पी राधाकृष्णन को भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। देश के 8 राज्यों के राज्यपालों का 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इनमें राजस्थान से कलराज मिश्र, उत्तर प्रदेश से आनंदीबेन पटेल, गुजरात से आचार्य देवव्रत, हरियाणा से बंडारू, महाराष्ट्र से रमेश वैस, मणिपुर से अनसुईया, मेघालय से फागू सिंह चौहान और केरल से आरिफ मोहम्मद खान शामिल है। इसके अलावा पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। अब राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त होने पर ही पता चलेगा कि भाजपा मंत्रियों से किया अपना वादा पूरा करेगी या नहीं। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।